नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं अभी पीछे एक साइट विजिट पर विजिट करने के लिए गया। क्लाइंट ने मुझे अपने यहाँ साइट विजिट पर इनवाइट किया। उन्होंने एक प्लॉट परचेज कर रखा है और उस प्लॉट के अंदर उन्होंने अंडरगारमेंट्स की फैक्ट्री लगानी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार फैक्ट्री का सेटअप कैसे करना चाहिए, उसके लिए मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया। जैसे मैंने उनकी लैंड देखी, जगह देखी, जगह साउथ फेसिंग थी। जगह देखने के बाद जो साथ वाली जगह थी वो भी खाली थी। जब मैंने पूछा क्या ये सारी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की थी, उन्होंने कहा हाँ बंसल जी, ये सारी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की थी। हमारे जो हिस्से में आया वो ये प्लॉट हमारे हिस्से में आया, और जब हम इस प्लॉट को देख रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस लैंड के साउथ जोन में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, बोरवेल लगी हुई है। जैसे हमने ये जगह ली, सबसे पहले आके यही देखा क्या ये ट्यूबवेल हमारी प्रॉपर्टी में तो नहीं आ रहा जो प्रॉपर्टी हमने ली है। जैसे देखा कि वो ट्यूबवेल उनकी प्रॉपर्टी में नहीं था, लेकिन साथ वाली जो प्रॉपर्टी थी जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ली उनके साउथ ईस्ट जोन में वो ट्यूबवेल आता है। जैसे ही क्लाइंट ने अपनी जगह ली, जगह लेने के बाद साथ ही साथ उसके अंदर फिलिंग करवा दी। जब मैंने उनके साथ साइट पर खड़े होकर डिस्कस की तो उनका कहना था बंसल जी, जैसे हमने ये जगह ली हमारा तो बचाव हो गया कि हमारे साउथ वेस्ट में ट्यूबवेल नहीं आया, लेकिन जो साथ वाले है जिन्होंने ये जगह ली उनके साउथ वेस्ट में ट्यूबवेल आ गया। जैसे ही उन्होंने ये जगह ली कुछ ही समय बाद उनके यहाँ फैक्ट्री में फायर हो गई। फैक्ट्री में फायर होने के बाद उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ये एक हादसा होना था, क्या था क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से चीज़ें जो समझ आती है कि साउथ ईस्ट में बोर होती है तो कहीं ना कहीं फायर होने के कारण बनते हैं, गहराई होती है तो फायर होने के कारण बनते हैं। तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि जिस भी साइट के साउथ ईस्ट में बोर होता है तो वहाँ फायर होने के कारण बनते हैं। तो बोले बंसल जी, ये बचाव रह गया कि हमारे यहाँ ये बोर नहीं आया, अगर हमारे यहाँ साउथ वेस्ट में ये बोर आता तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता। तो इसलिए मेरी जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, ये मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आप लोग भी इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाए कि साउथ वेस्ट में बोर होता है, ट्यूबवेल होता है, सबमर्सिबल होता है, पानी का अंडरग्राउंड टैंक होता है, तो वहाँ पर फायर होने के चांसेस बन जाते हैं, आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार की कोई गहराई नहीं होनी चाहिए, पानी का टैंक नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।